दोस्तों, सुंदरवन का नाम दिमाग में आते ही एक छवि उभर कर सामने आती है जो हरे भरे जंगलों के बीच वन्य जीवन के बीच की एक झलक को पेश करता है। सुंदरवन न ही केवल भारत बल्कि विदेशों से आए हुए लोगों का भी आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है, क्योंकि सुंदरवन एक इतना बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पर अनेकों वनस्पतियाँ और वन्य जीवों की भरमार सभी को देखने को मिलती है। दोस्तों, आज मैं इसी सुंदरवन से जुड़े आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा। सुंदरवन का नाम सुंदरवन में भारी संख्या में मिलने वाले सुंदरी नामक पेड़ों से लिया गया है और साथ ही बंगाली भाषा में सुंदर का प्रयोग करके इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। सुंदरवन का इतिहास 200-300 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इसका प्रमाण बागमारा फॉरेस्ट ब्लॉक में मिले अवशेषों से पता चलता है। मुगल शासन ने जब इस वन को किराए पे लिया था, जब कई अपराधी मुगल सेना से बचने के लिए वे लोग सुंदरवन में छिप जाते थे, लेकिन अधिकतर अपराधी वहां के टाइगर के शिकार से नहीं बच पाते थे। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुंदरवन के सारे अधिकारों को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से ले लिए थे। इसके बाद 1860 में बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाने के बाद अंग्रेजों ने सुंदरवन का संरक्षण किया। सुंदरवन से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना नदी है। सुंदरवन 10,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, जिसमें से 6,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश में आता है। इसमें से भारत के हिस्से में 4,110 वर्ग किलोमीटर आता है। 2015 के आंकड़ों के आधार पर सुंदरवन में 180 टाइगर्स हैं, जिसमें से 106 बांग्लादेश की सीमा में और 74 भारत की सीमा में आते हैं। यहाँ पर टाइगर के हमले से करीबन हर वर्ष लगभग 50 लोग मारे जाते हैं। सुंदरवन में विडो विलेज के नाम से एक गांव मुख्यात है, जहाँ पर परिवार के अधिकतर पुरुषों की मौत टाइगर के हमले से हो जाने की वजह से यहाँ की औरतें विधवा हो चुकी हैं। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वनस्पति वाला जंगल है, मतलब कि ये जंगल हमेशा दलदल से घिरा रहता है। मैग्रोव के बारे में आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, जिनकी पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आती हैं, उसे मैग्रोव वृक्ष कहते हैं। सुंदरवन जंगल विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के एकीकरण से बने इस डेल्टा को बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। सदाबहार रहने वाले सुंदरवन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, जिसकी वजह से इसका संरक्षण काफी बड़े स्तर पर हो रहा है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है, जहां पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर निवास करते हैं। इस विलुप्त हो रही प्रजाति के संरक्षण का दायित्व अब सिर्फ सुंदरवन के हाथ में है। ये उष्णकटिबंधीय डेल्टा विश्व में ज्वारीय हेलोफाइट मैग्रोव वन से बड़ा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ देखने को मिल जाएंगी। सुंदरवन के विशाल डेल्टा बल्कि 54 छोटे छोटे द्वीपों का समूह बन चुका है। सुंदरवन में ट्रांसपोर्ट्स का एकमात्र माध्यम बोट है, क्योंकि यहाँ इंसान जंगल के रास्ते बाहर आ ही नहीं सकता, जबकि वो पानी के रास्ते से आसानी से बाहर निकल सकता है। अब थोड़ा सा अपने फेवरेट जंगल अमेजोन के जंगल के ऊपर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप अमेजोन के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाने के लिए सोच रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले खतरनाक जानवर इस फिराक में इंतजार कर रहे होंगे कि कोई इंसान इसके नजदीक आए और ये उसे अपना भोजन बना ले। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों से भरा हुआ जंगल है। पीनट हेड बग, इस 3 इंच लंबे कीड़े का सर एक मूंगफली के दाने जैसा लगता है, जो इसे दूसरे जानवरों से बचाने में मदद करता है, क्योंकि कई जानवर इसके सिर की वजह से इसे छिपकली समझ लेते हैं और ज्यादातर जानवर छिपकली को नहीं खाते हैं, जिस वजह से कई बार यह अपने दुश्मनों से बच जाती है। इसके पास खाने के लिए मुंह नहीं होता है, इसीलिए यह पौधों के रस को चूसकर अपना पेट भरता है। डिकॉय स्पाइडर, इस अजीब सी दिखने वाली मकड़ी को साल 2012 में खोजा गया, जो खुद के जैसे दिखने वाली नकली मकड़ी को बनाकर दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाती है। ये खुद के जैसी मकड़ी बनाने के लिए मरे हुए कीड़ों और कचड़ों को काम में लेती है, जो कि बिल्कुल इसके जैसी दिखती है, चाहे वो सिर हो या 8 टांगे, जिससे दूसरे जानवर उसे रियल समझकर उस पर हमला कर देते हैं और फिर जाल में फंस जाते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह तरीका दूसरे जानवरों को कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट करने के काम आता है। असैसियन बग, यह छोटा सा दिखने वाला जानवर दूसरे जानवरों को आसानी से मार देता है, जो तब तक इंतजार करता है जब तक कि इसका शिकार इसके नजदीक ना आ जाए, फिर ये उस पर तुरंत झपट्टा मारकर
उसे अपना शिकार बना लेता है। ये अपने नोकीले डंक से शिकार को पूरी तरह से चूस लेता है और साथ ही साथ उसके शरीर में जहर डाल देता है ताकि उसके अंदर का हिस्सा लिक्विड में बदल जाए, जिससे वह तुरंत उसे आसानी से खा सके। कॉकरोच न्यूक्लियर अटैक से आसानी से बच सकता है, लेकिन यह कीड़ा उसे 4 सेकंड में मार सकता है। फिशिंग बैट। अमेजोन के जंगल में पाया जाने वाला ये चमगादड़ नॉर्मल चमगादड़ से काफी अलग है, जिसे आप देखने से पहले ही इसके आसपास होने की मौजूदगी को आप एहसास कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अजीब सी स्मेल दूर तक सूंघी जा सकती है। जिसके पंख उसके शरीर से काफी बड़े होते हैं, जिसकी साइज 12 इंच तक होती है, जो कि नॉर्मल चमगादड़ से काफी बड़े हैं, जिस वजह से ये काफी तेज और काफी दूर तक हवा में उड़ सकते हैं। ये अपने मजबूत और लंबे पैरों से पानी में से मछलियों को उठाकर खा जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। सोचो अगर आप जंगल से गुजर रहे हो तभी आपके सामने एक विशाल सांप आ जाए तो आपका क्या होगा? ऐसा आपके साथ रियल में भी हो सकता है अगर आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जाने की सोच रहे हो। ये एनाकोंडा पल भर में एक इंसान को निगल सकता है, जो पानी में काफी फुर्तीला होता है, लेकिन दोस्तों जमीन पर इसकी गति काफी कम हो जाती है। ये एनाकोंडा जहरीले तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको मार सकते हैं। दोस्तों अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में जो आदिवासी रहते थे, ये एनाकोंडा उनके रहने वाले जगह पर पहुंच गया था और इसने देखते ही देखते कई लोगों को काफी आसानी से निगल गया था। इसे देखने के बाद वह आदिवासी वहां से भाग निकले, क्योंकि इस एनाकोंडा को मारने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था, और साथ ही साथ ये एनाकोंडा काफी ताकतवर भी होते हैं। अमेजोन के जंगलों में अमेजोन नदी भी मौजूद है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि अमेजोन नदी में एनाकोंडा भी रहता है। अमेजोन एक भयानक जंगल है। अमेजोन को एक भयानक जंगल माना जाता है, लेकिन अमेजोन के जंगल में आदिवासियों की प्रजातियों को भी देखा गया है, जो अमेजोन के जंगल के अंदर वाले हिस्से में रहते हैं। वह आदिवासी किसी जानवर से कम नहीं होते हैं। वह होते तो इंसान है, लेकिन उनकी आदतें एक खुखार जानवर जैसी होती है। अगर वह किसी बाहरी इंसान को देख लेते हैं तो वह तुरंत उनकी बोटी बूटी कर देते हैं, क्योंकि वह बाहरी इंसान को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। और ये आदिवासी अमेजोन के जंगल में बिना कपड़ों के रहते हैं, क्योंकि अभी तक वह इस प्रकार तक विकसित नहीं हुए हैं कि वह अपने लिए कपड़े बना सकें। दरअसल वह जानवरों के खाल को ओढ़ना पसंद करते हैं। असैसियन बग। दोस्तों आकार में दिखने वाला ये छोटा सा कीड़ा दूसरे जानवरों को बहुत ही आसानी से मार डालता है। पहली नजर में देखने पर तो ये असैसिन बग अपने रेड और ब्लैक कलर के लुभावने लुक से काफी आकर्षित लगता है, और अपनी इसी खूबसूरती के कारण ये दूसरे जीवों का काफी आसानी से शिकार भी कर लेता है। दरअसल ये कीड़ा अपने शिकार के लिए एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें से सबसे पहले अपने ब्राइट रेड कलर से दूसरे सभी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जब वे उसके पास पहुंच जाते हैं तो ये अचानक से हमला करके अपने सिर पर लगे डंक से उन्हें डंक मार देता है। इसके डंक में इतना जहर होता है कि यह किसी भी बड़े जीव को कुछ ही सेकंडों में मौत की नींद सुला सकता है। जेंट हॉर्नेट्स। दोस्तों आज तक आपने ढेरों सारी मधुमक्खियां तो देखी ही होंगी, और आप ये भी जानते होंगे कि उनका सिर्फ एक ही डंक कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन अभी आप जिस मधुमक्खी को देख रहे हैं उसके केवल एक डंक से होने वाला दर्द 100 सुइयों को एक बार चुबोने के बराबर होता है, और जब इसका पूरा दल किसी जानवर के पीछे पड़ जाता है तो उसको बेहद दर्दनाक मौत देकर ही उसका पीछा छूटता है। एक फैक्ट ये भी है कि सबसे पहले 2001 में इस मधुमक्खी को जापान में एक छोटे से जंगल में शहद लेने आए लोगों ने देखा था, लेकिन इसके बाद इस प्रजाति को जापान में कभी नहीं देखा गया। और फिर ठीक 2 साल बाद 2003 में इनके मधुमक्खियों के कई छत्तों को अमेजोन के जंगल में डिटेक्ट किया गया। ये मधुमक्खियां आकार में आम मधुमक्खियों से काफी बड़ी होती हैं, और एक बार तो इस प्रजाति के 9 इंच लंबी मधुमक्खी को पकड़ा गया था, जो कि एक रेयर कंडीशन की वजह से इतनी बड़ी हो गई थी। दोस्तों इसके अलावा अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में जो आदिवासी रहते हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ खास बातें बताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने इनसे मिलते जुलते कुछ प्रजातियों को देखा है, जब ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले अपने डांस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे थे तभी उन मधुमक्खियों के कुछ दलों ने उन पर हमला कर दिया था। वह सभी मधुमक्खियां लगभग 5 इंच तक की थी। हालांकि ये वो मधुमक्खियां नहीं थी, यह उनसे कुछ अलग थी। उन मधुमक्खियों ने कई आदिवासियों को घायल भी कर दिया था। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है,
आपको एक लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना।